हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आंवला वैसे तो गुणों से भरपूर होता है। हेल्थ, स्किन और बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। यह हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, लेकिन इसका स्वाद थोड़ा कसैला होता है। हम इसका अचार, कैंडी, मुरब्बा और जैम बनाकर खा सकते हैं। आज मैं आपके साथ आंवले के जैम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पहले एक भिगोने में पानी बॉयल होने के लिए रख दीजिए। पानी बॉयल होने लगे तब इसमें सारे आंवले डाल दीजिए और इन्हें 10 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दीजिए। हमारे आंवले बॉयल हो चुके हैं, अब हम इन्हें पानी से बाहर निकाल लेंगे और 2 मिनट बाद जब इनका पानी ठीक से निकल जाएगा तब हम इनके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। इन आंवलों के पीसेस को ग्राइंडिंग जार में डालकर मैं इनका स्मूथ पेस्ट बना लूंगी। हमारा ये पेस्ट 150 ग्राम के आसपास है। इसमें हम 150 ग्राम ही चीनी डालकर इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारी चीनी मेल्ट हो चुकी है, अभी हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे। जैम में अच्छा कलर लाने के लिए मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डालूंगी, जिससे कि जैम का कलर हमारा अच्छा आएगा। हमें इसे लगातार चलाते रहना है जिससे कि ये कढ़ाई में ना लगे। हम जब भी कुछ आंवले की रेसिपी बनाएं तो उसे लोहे की कढ़ाई में ना बनाएं, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में या लोहे के किसी भी बर्तन में आंवले काले हो जाते हैं। हमारा जैम तैयार हो चुका है, अब हम इसे किसी सूखे कंटेनर में रख लेंगे और ब्रेड से लगाकर खाएंगे। बहुत ही टेस्टी लगता है ये और छोटे बच्चे तो इसे बहुत ही खुश होकर खाते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल का बटन सिलेक्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।